अस्सलाम वालेकुम, नाज़मस तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रशियन कबाब, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले ली हूँ, ये 300 ग्राम है बोनलेस चिकन है, ये मैं यहाँ पे ले लूँ। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है मैंने। और इसमें डालने के लिए, रशियन कबाब बनाने के लिए जो सब्जियाँ हमें लगेंगी, इस तरीके से बारीक कटा हुआ गाजर, ये इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ ये पत्ता गोभी ली हूँ मैं, यहाँ पे इसे भी मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और यहाँ पर ली हूँ मैं थोड़ा सा एक शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके ले लिए हैं। ये सब सब्जियाँ हमें लगेंगी रशियन कबाब बनाने में। तो चलिए इसे बॉईल करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पे एक पैन, और इसमें हम ये अपने चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम डाल देंगे पानी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई पे कर देंगे और इसका पानी पूरा ड्राई कर लेंगे और चिकन को हम बॉईल कर लेंगे। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम कवर कर देंगे और अच्छे से इसका चिकन को बॉईल हो जाने देंगे और इसका पूरा पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं। आइए चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी पूरा ड्राई हो चुका और हमारे चिकन एकदम से ये देखिए गल चुके। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर बाद में इसके ठंडा होने के बाद इसके सारे रेशे रेशे अलग कर लेते हैं हम। चलिए चिकन को देखिए इस तरीके से मैंने इसके सारे रेशे निकाल, ठंडा हो गया था तो इसके मैंने सारे रेशे इस तरीके से निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हमें इसके रेशे निकाल लेना है चिकन के। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। इसमें हम बारीक कटा हुआ गाजर ऐड कर देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ ये पत्ता गोभी ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसमें ऐड कर देंगे हम ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। चलिए अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, चिकन में भी हमने नमक डाला है इस वजह से थोड़ा सा इसमें हम और डालेंगे। और जो हमने आलू बॉईल करके लिया है वो आलू को भी इस तरीके से हम बारीक करके हाथों से ही इस तरीके से बारीक करके डाल देंगे। चलिए आलू मैंने इस तरीके से फोड़ लिया है इसमें और अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ में। चलिए चिकन के साथ मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसका हम थोड़ा सा बैटर लेके और इस तरीके से कबाब
कि जो शेप में आपको बनाना है, जैसे गोल शेप में बनाना है या कबाब, रशियन कबाब जिस शेप में होता है उस शेप में बनाना है आपको, कोई भी शेप का बना सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से कबाब का शेप देते हुए और थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे और पतला कर लेंगे इसे, और इस तरीके से ये लंबा शेप का एक कबाब रेडी हो जाएगा। चलिए अब इसे मैं साइड में रखती हूँ और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। चलिए ये देखिए हमारे पूरे कटलेट्स इस तरीके से रेडी हो गए कबाब। और अब इसे कोट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का बारीक सिवाई लिया है और इसे इस तरीके से बारीक कर लिया है। और इसमें टिप करने के लिए हमें चाहिए रहेगा अंडा, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हम कर देंगे मिक्स। चलिए अंडे को इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे इस तरीके से हम रखेंगे और इसमें हम जो हमने कबाब को रेडी किया है इस तरीके से इसमें टिप करेंगे अंडे में, और इस तरीके से उठाने के बाद इसमें हम सिवइयों में डाल देंगे और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे हम सिवई डालने में, लगाने में। जिस हाथ से हमने अंडे में टिप किया है वो हाथ को नहीं यूज़ करेंगे, नहीं वो हाथों में भी हमारे पूरे सिवइयाँ चिपक जाएगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें कोट कर लेना है सिवइयों को। ये देखिए इस तरीके से अच्छे इस तरीके से कोट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमें रेडी करके सबको रख लेना है। इसी तरीके से हम सारे कोट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कटलेट्स को इस तरीके से सिवइयों से कोट कर लिया है। ये देखिए सारे हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए अब इसे तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए तेल हो गया हमारा गरम, और तेल गरम होने के बाद में फ्लेम को स्लो कर देना है हमें, और हम अपने एक एक कबाब इस तरीके से उठा के तेल में डाल देंगे। इसे हाई फ्लेम पे ना तलें, नहीं ऊपर की सिवइयाँ जल्दी से लाल हो जाएगी और अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएगा। चलिए 4 से 5 मैंने डाल दी हूँ और इसे एक तरीके से अच्छे से पकने देंगे, फिर हम इसे टर्न करेंगे। चलिए अब ये दूसरी तरफ से हम इसे पलटी कर देते हैं। ये रशियन कबाब खाने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। शादी वगैरह में हम जाते हैं, यही रशियन कबाब ही सर्व होता है स्टार्टर्स के तौर पे। चलिए इसे अच्छे से हम तल लेंगे। चलिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है। चलिए तरीके से हम ये पूरा तेल छन गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे तल लेंगे और फिर सर्व करेंगे। चलिए ये देखिए हमारे रशियन कबाब इस तरीके से हमने तल लिया है, पूरे रेडी हो गए हैं। चलिए अब इसे सर्व करते हैं हम। चलिए यहाँ पे मैंने रखी हूँ इस तरीके से एक प्लेट, और अब एक एक करके हमारे रशियन कबाब को हम इस तरीके से सर्व करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये मेरी रेसिपी रशियन कबाब की। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह
बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ हम सर्व करेंगे टमाटर केचप। ये देखिए तरीके से मैंने सर्व किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रेसिपी रशियन कबाब की? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपको इसे एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और एकदम क्रंची है, ये देखिए। और इसे अंदर से भी दिखाती हूँ मैं आपको तोड़ के। ये देखिए ऊपर से जितना क्रिस्पी अंदर से उतना ही माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, चलिए तो मैं मिलूँगी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।